खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। अगली खबर, बहराइच से एक बार फिर पुलिस की नाकामी से बुजुर्ग महिला की गई जान। दबंगों का कहर बुजुर्ग महिला पर बरसा, बढ़ई को बुलाने पर हुआ यह पूरा विवाद। मामूली विवाद में जमकर हुई पिटाई और लाठी और डंडे चले, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। लाठी डंडे की मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। दो दिनों से लगातार चल रहा था यह विवाद, जिसकी सूचना स्थानीय थाने में दी गई थी। खैरी खाट की पुलिस सुलह कराने में लगी थी, पुलिस के चलते बुजुर्ग महिला की जान गई। आपको बता दें कि यह मामला जनपद बहराइच के थाना खैरी घाट क्षेत्र के रामपुर धोबियार का है, जहां कल दो पक्षों में हुआ एक मामूली विवाद का मामला थाना खैरी घाट पहुंचा था, जहां पुलिस ने आने में देर लगा दी। घर के परिजनों का आरोप है कि थाना खैरी घाट के प्रभारी ने विवाद का मामला संज्ञान में नहीं लिया और सुबह प्रार्थी संदीप सोनी की मां की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना खैरी घाट के रामपुर धोबिया गांव में आज प्रातः अनिल सोनी पुत्र कमलेश सोनी द्वारा सूचना दी गई कि उसके मामा संदीप की लकड़ी की दुकान वहां के बाजार में है, साथ ही लकड़ी की दुकान राजनारायण तिवारी की भी है। राजनारायण तिवारी के लकड़ी की दुकान पर एक ननकू नाम का लड़का काम करता है, जिसको संदीप ने भी कुछ पैसे अपने यहाँ काम करने के लिए दिए थे, लेकिन वह आ नहीं रहा था। इसी बात को लेकर राजनारायण तिवारी के यहाँ संदीप का पक्ष उस लड़के को बुलाने गया, जिस पर राजनारायण तिवारी के पक्ष ने ऐतराज़ किया और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। आरोप है कि इसी मारपीट में संदीप की माँ राधिका सोनी को चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी गण के परिजनों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।